हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 7 का सोशल साइंस हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 2 है, चैप्टर नंबर 3 है इसमें तुर्क अफगान शासन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही में आप इसको जो बेल आइकन है आपको दिखेगा साइड में, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 1, गंगा यमुना का दोआब किसे कहा गया है? तो जैसे कि आपको पता है, गंगा यमुना के बीच की भूमि को गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। दोआब का अर्थ होता है कि किन्हीं दो नदियों या दो नहरों की जो बीच की भूमि होती है उसी को कहते हैं। अगर दो नहरें लगातार बह रही हैं, एक नहर मान लीजिए इस तरह, एक नहर यहाँ पे, तो ये जो खाली स्थान रहता है, एरिया रहता है, यही होता है दोआब कहलाता है। और आपको मालूम होना चाहिए, जब भी कोई नदी होती है, बाढ़ उसमें आती है, तो अपने साथ उर्वरक वाली उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है और इन्हीं दोआबों में छोड़ करके वो पुनः वापस चली जाती है। वापस जाने का मतलब वो फिर से अपने समान जलस्तर में बहने लगती है। ये एरिया काफ़ी उपजाऊ होता है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में फसलें उगती हैं, जिसमें क्या यहीं पर लोग क्या करते उस समय इसमें कर वृद्धि करते थे, यानी जहाँ पे ज़्यादा उपज होगी वहाँ पे कर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी टैक्स ज़्यादा देने पड़ेगा, तभी आपका होता था दोआब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? उत्तर में लिखेंगे, बर्नी ने सुल्तान की आलोचना इसलिए की थी क्योंकि सुल्तान निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर आसीन करने लगा था। बर्नी का ख्याल था कि अगर निम्न वर्ग के लोग उच्च पद पर रहकर अपने दायित्व का वो निर्वाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए बर्नी ने सुल्तान की आलोचना की थी, क्योंकि उसको मालूम था जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अपने दायित्व से पीछे हट जाएंगे, अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर सकते हैं, और जो उच्च पद के लिए ये लोग सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की थी। प्रश्न नंबर 3 है कि अमीर के रूप में किस वर्ग के लोग आते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे, दिल्ली सल्तनत के विस्तार के कारण सुल्तान को कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति करना पड़ा, जिसके लिए सुल्तान ने सूबेदार, सेनापति और प्रशासक नियुक्त किए, इन्हीं तीनों को अमीर कहा गया। ध्यान में रखेंगे, अमीर किससे कहा गया था? जो सुल्तान ने सूबेदार रखे, सेनापति रखे और प्रशासक रखे, इन तीनों को ही क्या बोला गया था? अमीर कहा गया था। प्रश्न नंबर 4 है कि टका क्या है, क्या था? उस समय का एक मन अनाज कितने वजन के बराबर था? तो ध्यान में रखेंगे, एक टका आज के चांदी के 1 रुपये के सिक्के के बराबर था। एक टका में 48 जीतल होता था। उस समय एक मन अनाज 15 किलो वजन के बराबर था। उस समय का मतलब एक मन जो अनाज हुआ करता था, आज का जो 15 किलो अनाज है, 15 केजी अनाज है, उसके बराबर हुआ करता था। और दूसरी बात, आपको पता है एक जो टका है आज के चांदी के 1 रुपया है उसके बराबर था, और एक टका में 48 जीतल होता है। कितना होता है? 48 जीतल होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि आप विचार करें कि अलाउद्दीन खिलजी के मल्ल नियंत्रण की व्यवस्था ने से जनसाधारण को क्या लाभ हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, मूल यहाँ पे है, अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से जनसाधारण को यह लाभ हुआ कि उसे उचित मूल्य पर सस्ती वस्तुएं मिलने लगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद जाने के में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता था? तो उत्तर में लिखेंगे, दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को रणथंभौर, माड़, चित्तौड़ आदि क्षेत्र से होकर के जाना पड़ता था। सबसे अधिक कठिनाई चंबल नदी पार करने में हुई होगी। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा? उत्तर में लिखेंगे, मेरे अनुसार राजधानी परिवर्तन का कोई भी कारण उपयुक्त नहीं है। यदि कुछ कारण था भी तो वह मात्र सुल्तान का वहम था और था उसकी मिजाज, इसके वजह से उसने राजधानी को परिवर्तन किया। प्रश्न नंबर 8 है, राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को
किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे। तो ध्यान में रखेंगे, राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को अनेक प्रकार के कष्ट हुए होंगे, जैसे कि पैदल चलते चलते उनके पैरों में फोड़ा हो जाना, रास्ते में खाने पीने की भी चीज़ों का असुविधा होना, अनजान राह में उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ रात बिताना होगा। ये सब प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं जब कोई अपनी राजधानी को एक स्थान से दूसरे स्थान को चेंज करता है। प्रश्न नंबर 9 है, आप वर्तमान समय में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो ध्यान में रखेंगे, आपको जो आज के समय में जो मुद्राएं चल रही हैं उसके बारे में, जो सांकेतिक मुद्रा है उसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, वर्तमान समय में अंग्रेजों के ज़माने से ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया था। इसमें ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजों ने 1 रुपये के सिक्के का वज़न 1 तोला होता है। 1 तोला चांदी का मूल्य बाज़ार में 3 आना था और कागज़ के नोट का मूल्य 1 पैसे भी नहीं है। आज के सभी सिक्के सांकेतिक हैं, चाहे वह धातुई हों या कागजी मुद्राएं। ये सब क्या है? सांकेतिक मुद्राएं हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि कृषि सुधार एक सरकारी दायित्व है, यह बात मोहम्मद तुगलक के समय में उभर कर सामने आई। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को किसी विकास एवं सुधार के लिए क्या सहायता दी गई है? तो उत्तर लिखेंगे, वर्तमान सरकार राज्य सरकारें कृषि विकास एवं सुधार के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक नहरें खोदी गई हैं, इतनी अधिक नहरें खोदी गई कि देश में नहरों का जालसा बिछ गया है। तो उसमें भी ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ी हमारे देश में नहर है उसका नाम है इंदिरा नहर। कौन सी है? इंदिरा नहर है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में इंदिरा नहर जो है सबसे बड़ी नहर है भारत की, और इसको बनवाया कौन था? प्रधानमंत्री कौन कांग्रेस की थी, जो लेडीज़ प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी, इंदिरा गांधी ने ही बनवाया था। नाम ही इनकी पड़ा हुआ है। कृषि यंत्र खरीद पर भी सरकार कुछ सहायता राशि भी देती है। अच्छे बीज अच्छी खाद के किसानों को मुहैया कराए जा रहे हैं। खेती बाड़ी जाने की अवस्था में किसानों को कुछ भरपाई हो सके, इसके लिए कृषि बीमा प्रथा भी चलाई गई है। प्रश्न नंबर 11 है कि संतुलन काल में साधारण किसान एवं धनी किसान में आप क्या अंतर देखते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, संतुलन काल की बात करते हैं तो उस समय के किसान ऐसे थे जिनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े थे। तो आज के समय में आप देख पा रहे होंगे, उस समय जो किसान थे उनके पास भूमि के बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे। ये कैसे होते थे? तो धनी होते थे और इनको खुद मुकद्दम या चौधरी कहते थे। क्या कहते थे? मुकद्दम या इनको चौधरी कहा जाता था। छोटे किसान के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े होते थे और ये प्रायः गरीब हुआ करते थे। इन्हें बलहर किसान कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? बलहर किसान। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुकद्दम किसे कहा जाता था? मुकद्दम या चौधरी, जो बड़े किसान होते थे, अमीर होते थे। और जो गरीब किसान होते थे जिनके पास ज़मीन के छोटे टुकड़े होते थे, उनको कहा जाता था बलहर किसान। और समाज में इनको निम्न स्थान प्राप्त था, बहुत लोग भूमिहीन भी थे जो बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करते थे। तो ये जो निम्न स्थान में आते थे, और यह भी ध्यान में रखेंगे, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके पास भूमि भी नहीं थी और वे किसानों के खेतों में, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनके किसान खेतों में मजदूरी भी करते थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी? उत्तर लिखेंगे, दिल्ली की स्थापना 950 में तोमर राजवंश के काल में हुई थी, लेकिन 12वीं सदी में अजमेर शासक चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। स्थापना तो 950 में हुई थी, जो कि तोमर राजवंश थे उनके द्वारा, लेकिन जब 12वीं सदी आई तो अजमेर के जो शासक चौहान ने इस दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 2 है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो ध्यान में रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज्य के विस्तार के लिए अपने एक गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्रम, मदुरै पर विजय प्राप्त करके दक्षिण के एक बड़े भाग पर संतनत राज्य के अधीन कर लिया।
लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अपना अधिकार पर अधिकार न कर उससे सालाना कर लेने के करार पर उसे के उनके राज्य लौटा दिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? उत्तर में कहेंगे मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इससे उसका उद्देश्य था कि किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और आम जनता से कोई अधिक मूल्य नहीं वसूल सके। प्रश्न नंबर चार है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण कराया था? उत्तर में लिखेंगे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। इन्हीं के नाम पर आप जानते हैं वहाँ पे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नाम का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है जिसमें लोग क्रिकेट खेलते हैं, और उसका नाम अभी हाल ही में चेंज करके, उनका पूरा नाम नहीं चेंज किया गया, थोड़ा सा एक पवेलियन जो एक पार्ट होता है अटल बिहारी शायद कौन सा नाम है अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, फिरोज शाह कोटला, और इन्होंने ही नहरों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर पाँच है, यहाँ पे क्या करना है, मिलान कराने हैं, जिससे इधर दे रखा है राजवंश है और इधर संस्थापक, कौन से राजवंश का संस्थापक कौन था, तो ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक तुर्क वंश की, तो इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन, तुगलक वंश के गयासुद्दीन, सैयद वंश के खिज्र खा और लोधी वंश का बहलोल लोधी। अगर याद करने का तरीका याद रखेंगे तो कौन सा पहले आया, तो ध्यान रखेंगे गुल खिले या गुलाब खिले तसला में, क्या देखना है, खिले तसला में, यानी गुलाब से आपका बन जाएगा गुलाम वंश, जो उसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद आता है खिले यानी खिलजी वंश, सेकंड नंबर पे आता है, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। फिर आपका आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश का स्थापना खिज्र खान ने किया था। उसके बाद लोधी वंश, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। और लास्ट में आपका मुगल यहाँ पे देखते हैं, तो मुगल की स्थापना बाबर ने की थी, जिसने इब्राहिम लोधी को हरा करके 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इनको ध्यान में रखना है, गुलाब खिले तसला में, यह शॉर्ट ट्रिक है, गुलाब गुलाम यहाँ से हो जाएगा, खिले से खिलजी वंश हो जाएगा, ता से आपको तुगलक वंश याद रखना है, सा से आपको सैयद वंश, त से ला से लोधी वंश, और में मतलब कि मुगल वंश। इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको ध्यान से याद कर लेना है, जिसके संस्थापक यहाँ दे रखे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और खिज्र खां और बहलोल लोधी। सैयद वंश का ध्यान में रखेंगे खिज्र खां और बहलोल लोधी, लास्ट वाला आपको बाबर याद कर लीजिए मुगल वंश का। प्रश्न नंबर सिक्स है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था या इक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। उत्तर में कहेंगे दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया, जैसे कि जो आपने देखा सूबेदार थे, ये सबको अमीर बोला गया था। इनको कहाँ पे नियुक्त किया गया, इनको इलाकों में नियुक्त किया गया, इन इलाकों को अक्ता कहा जाता था या इक्ता कहा, अक्ता या बोलेंगे या इक्ता बोलेंगे। इक्ता के अधिकारी मुक्ति या बलि कहे जाते थे। जो भी इक्ता के अधिकारी होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, या तो उनको मुक्ति कहते थे या तो उनको बलि के नाम से जाना जाता था। इनका दायित्व था कि अपने इक्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखें, कभी आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद भी दें। इसके लिए घुड़सवार सिपाही रखने पड़ते थे, भूमि कर की वसूली भी बलि ही करते थे। ठीक है, जो भूमि कर की वसूली होती थी वो कौन करता था, जो यहाँ के अधिकारी वली होते थे वही करते थे। वसूली का कुछ भाग अपने स्वयं रख लेते थे, रख लेने की छूट थी, ताकि सैनिकों को भी वेतन दिया जा सके। तो ये जो वसूली करते थे उसके कुछ भागे स्वयं भी रख लेते थे, उससे क्या होता था, वो जो सैनिक वहाँ पे रखे होते हैं उनको सैनिकों को वेतन दिया जाता था। प्रश्न नंबर सात है कि सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बता दे कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था।
तो ध्यान में रखेंगे संतुलन काल की अगर हम बात करते हैं तो संतुलन काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े और धनी किसान जिन्हें खुद या मुकद्दम या और चौधरी कहते थे राज्य की ओर से लगान वसूला करते थे। लगान अर्थात कि भूमिकर को खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। ये पॉइंट जो आ रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खराज की मात्रा जो होती थी भूमि पर उपजने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। मतलब एक हिस्सा आप जो भूमि पर उगाते हैं तो उसमें से एक हिस्सा आपको खराज के तौर पर यानी कि कर के तौर पर आपको देना होता था। खराज में वसूला गया अनाज सरकारी गोदामों में रखा जाता था। इस सेवा के बदले खुद मुकद्दम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। इस कार्य के लिए जो वहाँ पे चौधरी हुआ करते थे या मुकद्दम हुआ करते थे उनको खराज का एक हिस्सा मिलता था। जो और हिस्से को उसको सरकारी खजाने में या गोदामों में जमा कर दिया जाता था। ये लोग छोटे किसानों को दबाते भी थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन ग्रामीणों को हटा करके लगान या खराज वसूलने का काम सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया। बाद में जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आता है तो ये जो भी किसान थे बड़े जो कि मुकद्दम कहलाते थे चौधरी कहलाते थे इनको हटा करके ये काम अधिकारियों को दे दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ध्यान में रखेंगे दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उनके नाम निम्नलिखित थे जैसे कि अधिकारी का काम और इस प्रकार से अधिकारी कौन है उसका काम क्या है। बात कर रहे हैं सबसे पहले सूबेदार का काम क्या होता था। उसमें सूबेदार जो होता था सूबे का मुख्य अधिकारी होता था। जो वहाँ का सूबा था उसका मुख्य अधिकारी ये होता था। सेनापति की बात करते हैं तो आपको पता है सेना का नियंत्रण करने वाला अर्थात सेनापति। प्रशासक की बात करते हैं ये प्रशासनिक कार्य को देखना इसका कार्य था। वजीर का काम क्या था? ये वित्त विभाग का प्रधान था। अर्जे मामालिन ये कौन था? अर्जे मामालिन सुल्तान की सेना का प्रधान होता था। वकील ए दर का कार्य क्या होता था? वकील ए दर की बात करते हैं तो ये राज परिवार की देखभाल करना। काजी का अर्थ क्या होता था? न्याय करना एवं मुख्य न्यायाधीश होता था इसको काजी कहते थे। दीवाने इंसा कौन था? तो दीवाने इंसा ध्यान में रखेंगे ये राजकीय फरमान जारी करने वाला कौन था? राजकीय फरमान जो जारी करने वाला दीवान ए इंसा था। बरीद मुमालिक का कार्य क्या होता था? ये गुप्त सूचना एकत्र करना और गुप्तचर कहलाते थे इनको। मुफ्ती या बली आपको ध्यान में रखेंगे जो अक्ता यक्ता प्रणाली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन अफसरों की नियुक्ति की गई थी जिसको हम मुक्ति या बली के नाम से जानते थे। ध्यान में रखेंगे लास्ट पॉइंट है आमिल क्या कौन होते थे? वसूले गए राजस्व का हिसाब रखना आमिल कहलाते थे। ठीक है, तो जो वसूले गए राजस्व होते थे जैसे कि जो अपना हिसाब किताब रखता था उसी को किसके नाम से जाना जाता था? उस समय आमिल के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि पूछा जा रहा है कि संतुलित काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसलों को में बांट करके लिखिए। तो ध्यान में रखेंगे संतुलित काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसलें निम्न प्रकार से हैं। खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ में उस धान है, ज्वार है, बाजरा, तिल, कपास। और रबी की बात करते हैं तो इसमें गेहूँ, जौ, उड़द, मूंग, मसूर ये सब कौन सी हैं रबी और खरीफ की फसलें। गन्ना और अरहर खरीफ और रबी दोनों में आते हैं क्योंकि ये एक साल का समय लेते हैं। अंगूर स्थाई फसल है। तो जो गन्ना होता है आपको पता है साल भर का होता है। अरहर होती है ये भी साल भर की फसल होती है। ये दोनों में आते हैं, रबी में भी आते हैं और खरीफ में भी आते हैं। और यह ध्यान रखेंगे जो अंगूर का फसल होता था एक अस्थाई फसल होता था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री का की कोई योजना कार्य कर रही है। तो उत्तर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया था ताकि प्रजा को उचित मूल्य पर वस्तुएँ मिल सके। सुल्तान ने खाद्यान्नों से
लेकर के वस्त्रता तथा दास दासियों और मवेशियों तक के मूल्य निश्चित कर दिए थे। दास दासियों और घोड़ों के भी बाजार लगते थे। मेरे विचार से वर्तमान समय की सरकार भी मूल्य निश्चित कर देती है, अनाजों के खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देती है। यदि कोई खरीदे ना खरीदे पर सरकार उस मूल्य पर स्वयं अनाज खरीद लेती है और अपने गोदामों में रखती है। उन अनाज को वह सरकारी राशन की दुकानों पर बिकवाती है और किरोसिन, पेट्रोल, डीजल का मूल्य भी सरकार ही निश्चित करती है। दुकानों पर अधिकांश सामानों पर मूल्य अंकित रहते हैं। दवाओं पर तो खास तौर पर दाम अंकित रहता ही है। दास दासी की बिक्री आज अपराध माना जाता है। पशुओं के मूल्य सरकार निश्चित नहीं करती है। प्रश्न नंबर 11 है कि संतलितकालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, संतलितकालीन किसानों एवं आज के किसानों में हम यह अंतर देखते हैं कि संतलितकालीन किसान उपज का एक हिस्सा, एक निश्चित भाग अनाज का लगान में देते थे। वही आज के किसान एक निश्चित रकम नगद लगान के में देते हैं। उस समय किसान को मजबूर किया जाता था कि वे अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचें। लेकिन मूल्य निश्चित होने के बावजूद आज के किसान अपनी उपज बेचने ना बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। संतनत काल में सरकारी गोदामों में अनाज रखे जाते थे, आज भी रखे जाते हैं। संतनतकालीन किसान केवल हक कुदाल से खेती करते थे, लेकिन आज के हल और कुदाल से खेती करते लेकिन आज के किसान जो हैं यांत्रिक कृषि भी करने लगे हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को रेखांकित करते हुए उसकी असफलताओं के कारणों को ढूंढिए। इधर ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है। एक तरफ आपको योजना का नाम लिखना है, कारण लिखना है और इस पे असफलता के कारण। बात करते हैं राजधानी परिवर्तन। दिल्ली वासियों के प्रति अविश्वास, कारण क्या था कि यहाँ पे दिल्ली वासियों के प्रति अविश्वास था, इसकी वजह से उन्हें राजधानी को परिवर्तित किया। और असफलता के कारण क्या रहे कि परेशानी देख करके विचार का बदल जाना, जब परेशानी हुई तो उसने अपने विचार को बदल दिया। खुरासान विजय, राज्य का विस्तार करना था, कारण था। और खुरासान और मिस्र से दोस्ती, ये असफलता का कारण रहा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कारण क्या था, सोने चांदी की कमी होना। और जबकि असफलता का कारण यह था कि जाली सिक्कों का पन्ना, यही असफलता का कारण रहा। दोआब में कर उपज के आधार पर वृद्धि, किसान परेशान रहने लगे, यह असफलता का कारण हुआ। कृषि में सुधार, अगर कृषि में सुधार की बात करते हैं तो कारण क्या था, उपज में वृद्धि के लिए कृषि में सुधार किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि भ्रष्टाचार के कारण योजना जो गई असफल हो गई, इसलिए असफलता का कारण बना। अभी इसी के साथ ही जो क्वेश्चन आंसर का जो क्राइटेरिया तो यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे हम कुछ चैप्टर के सारांश को पढ़ लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बस एक सरसरी निगाह में इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 11वीं सदी के लगभग मध्य में तोमरों ने दिल्ली शहर का विकास किया। दिल्ली व्यापार का केंद्र था और यहाँ धनी मनी व्यापारी रहते थे। उस समय यहाँ दिल्ली वाला नाम सिक्का ढाला जाता था। 12वीं सदी के मध्य में अजमेर के शासक चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने दिल्ली को भी प्रशासनिक केंद्र बनाया। गोया की चौहानों की दो राजधानियां थीं, अजमेर और दिल्ली। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तब उसने उसके प्रमुख अधिकारियों ने उसके राज्य को आपस में बांट लिया। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र कुतुबुद्दीन के हिस्से में आया। तब से दिल्ली के शासकों को गुलाम वंश का शासक कहा जाने लगा। बलवन 1266 से 1287 तक जारी रहा। इल्तुतमिश ने 1210 के बाद मध्य एशिया से संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तुर्की के खिलाफ खलीफा ने उसे सुल्तान की उपाधि दी। तब से दिल्ली के शासक सुल्तान कहलाने लगे और
राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाने लगा। इस सुल्तान को गुलाम वंश भी कहा जाता था क्योंकि पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम ही था। 1287 में बलबन की मृत्यु के बाद कैकुआ दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। 1320 में खिलजी वंश को हरा करके तुगलक वंश की स्थापना हुई। इसका एक प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने करार को रद्द कर पुनः युद्ध में परास्त कर उन राज्यों को सीधे अपने अधीन कर लिया। तुगलक ने पश्चिम में भी अपनी सीमा का विस्तार किया। उसने मंगोल आक्रमणकारियों को भी करारी शिकस्त दी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो कि 1388 तक रहा। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। केंद्रीय शासन चुस्त और दुरुस्त था। हर विभाग को बांट करके अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए। इलाकाओं को अक्ता कहा जाता था, जिसके प्रभारी मुक्ति कहलाते थे। इनके अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना इसका मुख्य कारण था। उन्हें वेतन के बदले राजस्व वसूली का एक भाग दिया जाता था। अक्ता के प्रभारी वंशगत नहीं होकर के इनका तबादला भी होता था। वंशगत होने का मतलब कि उनके पुत्र का पुत्र बनेगा, प्रभारी बनेगा, ऐसा नहीं होकर के वहाँ पर तबादला नीति होती थी। अक्ता सूबे का एक रूप था। ग्रामीण प्रशासन प्रशासन ग्रामीणों के अधीन था। इसके प्रधान चौधरी कहलाते थे। बाद में ग्रामीण प्रशासन की इकाई परगना का गठन किया गया और गांव प्रशासन की छोटी इकाई थी। किसानों को भूमिकर के अलावा गृहकर तथा पशुकर भी देने होते थे। कर वसूलने वाले गांव के बड़े किसान चौधरी के साथ साथ राय, राणा, रावत आदि होते थे। राज्य कार्यों में मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही नित्य नए प्रयोग हुआ करते थे। तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना है। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली एक मुहावरा बन गया। तुगलक की एक दूसरी गलती थी कि खुरासान विजय की लालसा। इसके लिए इसने एक बड़ी सेना का गठन किया जिसमें लगभग 4 लाख सैनिक थे। इधर खुरासान और मिस्र में मित्रता हो गए जाने के बाद खरासाम विजय की लालसा धरी की धरी रह गई। इतनी बड़ी सेना को वेतन देना कठिन हो जाने के पर सेना को भंग कर दिया गया। अब ये सैनिक लूट मार मचाने लगे। सुल्तान की हालत पतली हो गई। सैनिकों की यह करतूत जनता और सरकार दोनों के लिए सिरदर्द का सबब बन गया। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि विकास के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराया। इससे क्या है कि कुछ लाभ मिला। अब नहरों के किनारे कृषक अपना गांव बसाने लगे, उपज में वृद्धि हुई। सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसानों का था। विभिन्न आकार की भूमि पर विभिन्न किसानों का अधिकार था। किसान खेती के औजार स्वयं रखते थे। साधारणतः किसान फस की झोपड़ियों में रहते थे। किसान मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। जो किसान अधिक धन अर्जित कर लिए थे वे धनी लोगों के रहन सहन के तौर तरीके अपनाने लगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।